बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम हाल ही में अजान को लेकर किए अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के चलते अब मुश्किलों में फंस चुके हैं। मिलत बचाओ तहरीक नाम की कमेटी ने सोनू निगम के खिलाफ महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर फाइल की है। सोनू के खिलाफ ये एफआईआर अजान के खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के चलते की गई है। ये है उस एफआईआर की कॉपी। आपको बता दें कि सोनू निगम ने 17 अप्रैल को सुबह लगभग 5:25 ट्वीट किया था, God bless everyone, I am not a Muslim and I have to be woken up by the Azan in the morning. When will this forced religiousness end in India? सोनू के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में भी काफी गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर सिंगिंग फ्रेटर्निटी भी सोनू के इस बयान के बाद दो हिस्सों में बट गया है। कुछ लोग सोनू को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उनके खिलाफ खड़े हैं। हालांकि इस पूरे मामले को भांपते हुए भी सोनू निगम ने हाल ही में एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, आपका स्टैंड आपकी छोटी सोच को दर्शाता है। मैं अब भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ कि मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर अलाउड नहीं होने चाहिए। पर सोनू के इस बयान के बाद हर जगह एक बहस का मुद्दा शुरू हो चुका है। अब देखना यही है कि इस एफआईआर के बाद सोनू के सामने और कौन कौन सी मुश्किलें सामने आती हैं।